स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बना रहे हैं कोकोनट राइस। ये साउथ इंडियन की फेमस डिश में से एक है। इसे आप रसम या सांभर के साथ खा सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम बना रहे हैं कोकोनट राइस। उसके लिए हमें चाहिए राई, मूंगफली के दाने, काजू, करी पत्ता, चने की दाल, उड़द की दाल, दो हरी मिर्ची जिसे हमने लंबा काट लिया है, और एक खोपरा जिसे हमने मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लिया है। हम लेंगे घी। हमने लिया है एक पैन, इसमें हम डालेंगे दो चम्मच घी। हम कोकोनट राइस बनाने के लिए घी का उपयोग कर रहे हैं। आप मक्खन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें डालेंगे एक चम्मच राई। इसमें डालेंगे अब हम चने की दाल, उड़द की दाल। इसे हल्का सा भून लेंगे गोल्डन होने तक। इसमें डालेंगे हम मूंगफली के दाने। इसे भी हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साउथ इंडियन डिश में करी पत्ता का बहुत महत्व है। अब हम इसमें डाली है हरी मिर्ची, इसे भी हल्का हम भून लेंगे, और साथ में काजू भी डाल देंगे, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें कोकोनट डाल देंगे। इसे हल्के हल्के हिलाते रहेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। क्योंकि हमने राइस में भी नमक डाला है तो हम इसमें कम ही नमक डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। हमने बासमती चावल लिए हैं, आप ऑर्डिनरी चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे कोकोनट राइस बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।